Hello students, today we will start the chapter 3. The name of the chapter is Honesty, H-O-N-E-S-T-Y, Honesty. Theme Honesty is Truthfulness. Honesty means hota hai imandari. Imandari sachai hai. Honesty is not taking away things that are not ours. Imandari यह है, ईमानदारी उन चीज़ों को नहीं लेना है जो हमारी नहीं है. द वैल्यू फॉर द डे इज़ बीइंग ऑनेस्ट. व्हाट इज़ ऑनेस्टी? ईमानदारी क्या है? ऑनेस्टी मीन्स नॉट लाइंग और स्टीलिंग, ना झूठ बोलना और ना ही चोरी करना. नॉट टेकिंग अवे थिंग्स दैट आर नॉट अवर, उन चीज़ों को नहीं लेना, चीज़ों को नहीं लेना जो हमारी नहीं है. रिमेंबरिंग, एडमिटिंग अवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को मानना. रिमेंबरिंग टू कीप अवर प्रोमिसेस, अपने वादे को करने का याद रखना. वरुण फाइंड्स अ बॉल इन द स्कूल प्लेग्राउंड. वरुण को स्कूल प्लेग्राउंड में एक बॉल मिली. No one sees Varun while finding the ball. जब उसे बॉल मिली तो वरुण को कोई भी नहीं देख रहा था. Varun knows whose ball it is. वरुण जानता था कि यह बॉल किसकी है. Should Varun keep the ball and play himself with that ball? क्या वरुण को वह बॉल ले लेनी चाहिए और उसके साथ उसे खुद खेलना चाहिए? What do you think? आप क्या सोचते हो? If Varun is honest, यदि वरुण ईमानदार है, he would return the ball to the owner. वह बॉल को उसके ओनर को वापस कर देगा. An honest person never cheats or steals. एक ईमानदार व्यक्ति कभी भी बेईमानी नहीं करता है और कभी भी चोरी नहीं करता है. एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ हैप्पी पर्सन. एक ईमानदार व्यक्ति एक खुशी व्यक्ति है. वी ऑनेस्ट बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू. ईमानदार बनो क्योंकि यह करना एक अच्छी चीज़ है. Dishonesty can hurt other people. बेईमानी अन्य लोगों को दुख पहुंचाती है. It is easier to be honest. ईमानदार रहना, ईमानदार बनना सरल है.